हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हिमालय प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब का रिव्यू। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है जो कि प्लास्टिक ट्यूब पैक है। प्रोडक्ट्स रिलेटेड सारी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन की गई हैं, आप चाहें तो उन्हें ईजिली चेक कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इस स्क्रब को ईजिली यूज़ कर सकती हैं। इसका प्राइस है 75 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, आप चाहें तो उन्हें इजीली चेक कर सकते हैं। वैसे हिमालय के सारे ही प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री होते हैं, मतलब कि उन्हें एनिमल पे टेस्ट नहीं किया जाता है। वैसे हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट में पैराबेंस होता है, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट में कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में, लेकिन इस प्रोडक्ट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें पैराबेंस हैं या नहीं है। बात कर लेते हैं इस स्क्रब की इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। बात कर लेते हैं इस स्क्रब को यूज़ करने की, तो इसे आपको वीक में 2 से 3 बार ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा स्क्रब लेना है और अपने पूरे फेस पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है हल्के हाथों से, बस उसके बाद अपने फेस को आपको वॉश कर देना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि स्क्रब को आपको कब यूज़ करना चाहिए, फेस वॉश के पहले या फेस वॉश के बाद। तो स्क्रब को आपको फेस वॉश के बाद यूज़ करना है, पहले आप फेस वॉश यूज़ करिए और उसके बाद आपको ये स्क्रब यूज़ करना है। तो ये आपके फेस के ब्लैक हेड, वाइट हेड और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी स्क्रब आपको एक दिन में रिज़ल्ट नहीं देने वाला है या एक दिन में ये आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड को रिमूव नहीं करेगा, धीरे धीरे ही ये प्रोसेस होता है। तो आपको रेगुलर अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको विजिबल डिफरेंस नोटिस हो। तो वैसे अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करने की बात करें तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई फील होगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और एक्ने या पिंपल प्रोन है तब भी आप इस स्क्रब को यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं और बहुत ज़्यादा फाइन हैं, शार्प बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हर्ट। और स्क्रब डेली यूज़ के लिए नहीं होता है, ये बात आपको, ताकि अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन हमेशा क्लीन, क्लियर और हेल्दी, ग्लोई, सॉफ्ट, स्मूथ बनी रहे, तो आपको स्क्रब को अपने वीकली स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। वैसे इसमें नीम है तो ये आपके पिंपल और एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ईजिली ट्राई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।